गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। आज हम लोग जो भी मैंने आपको थ्योरीज पढ़ाई है अभी तक, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, राइट शेयर्स हो गए, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गए, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ओवर सब्सक्रिप्शन के बेसिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, टीएस लेवल में से है आपका, इलस्ट्रेशन 27, इलस्ट्रेशन 27 टी एस ग्रेवाल। ठीक है, यस, तो वो मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे, देन उसके बाद उसको प्रैक्टिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यस, लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज फॉलो, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पर रिसीव पर 65,000 इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन 40,000 इक्विटी शेयर्स वर एक्सेप्टेड फुल, 10,000 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। द अमाउंट ड्यूली वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल ऑन फर्स्ट कॉल ऑफ 1,000 इक्विटी शेयर्स एंड फाइनल कॉल ऑफ 1,500 शेयर्स। पास एंट्रीज इन द केस बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी आल्सो शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। क्लियर हुआ? यस, ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस को। एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स, एक्स लिमिटेड इशू शेयर्स 50,000 एट द रेट रुपीज 10 ईच एंड टू रुपीज प्रीमियम। टोटल मिला कितने में इशू किया हम लोगों ने? 12 में। उसमें पेमेंट, अब जो शेयर्स रिसीव्ड हुए हैं वो शेयर्स आपके रिसीव्ड हो रहे हैं, दैट इज 65,000। कितने शेयर रिसीव हो रहे हैं आपके? 65,000, जिसका अलॉटमेंट इस तरह से है, 40,000 को तो फुल अलॉटमेंट किया है 40,000, इसके बाद 20,000 को हम लोग जो अलॉट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10,000, एंड जो 5,000 है उनको हम लोग रिफंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? रिफंड कर रहे हैं। क्लियर, ये चीज हमको यहाँ पर दे रखी। अब जो अमाउंट मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है एप्लीकेशन पर जो है, यस, एप्लीकेशन पर 3 रुपीज है, अलॉटमेंट जो है वो 2+2 है, टोटल 4 रुपीज है, और ये लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्लियरली लिखा हुआ है क्या चीज? इंक्लूडिंग प्रीमियम, यस। उसके बाद ये लिखा हुआ है आपके पास फर्स्ट कॉल पे 5 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज, दैट मीन्स 10+2। साथ में लिखा हुआ है कोल्स इन अरियर्स, यस। तो कोल्स इन अरियर्स में आप देखो यहां पर कोल्स इन अरियर्स के अंदर आपका दिया हुआ है फर्स्ट कॉल पे 1,000 है और सेकंड कॉल पे 1,500 शेयर है, ये जिन्होंने पेमेंट नहीं दिया है। ये पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है? केस भी बनाना है जनरल बनानी कंपनी की, और ऑल्सो शो कैपिटल इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लोग कैपिटल को भी शो करता है। ये क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसने 50,000 शेयर मार्केट में इशू किए हैं और 10 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है और 2 रुपए प्रीमियम है, टोटल मिलाकर 12 रुपीज में इशू प्राइस है। इशू प्राइस मींस फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। उनके साथ साथ इन्होंने रिसीव किया 65,000 शेयर्स, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन, कि जितने शेयर इशू किए उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई है, जितने से इशू किए उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई, उसको बोलते हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। उसमें तीन इन्होंने क्लासिफाई कर रखा है तीन टाइप से शेयर्स को, जैसे फर्स्ट है 40,000 शेयर्स को पूरा 40,000 अलॉटमेंट किया है, 20,000 अलॉटमेंट को 10,000 अलॉट किया, मतलब 50% अलॉटमेंट हुआ, और 5,000 जो शेयर्स है उसको हम लोगों ने रिफंड किया है। पैसा कैसे कैसे मिल रहा है? एप्लीकेशन पे 3 रुपीज है, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज है, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज है। लेकिन हाँ, अलॉटमेंट पे जो पेमेंट है 4 रुपीज वो है 2 रुपीज फेस वैल्यू एंड 2 रुपीज प्रीमियम, टोटल मिलाकर 4 रुपीज इस तरह से हुआ। देन उसके बाद वो शेयर्स मिला, फर्स्ट कॉल पे 1,000 शेयर्स है और सेकंड कॉल पे 1,500 शेयर्स है, ये अपने क्वेश्चंस कर रखा है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे वो ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो एक्सेस और 10,000 शेयर्स एक्सेस है
और एक्सेस जो शेयर्स उसको पैसा भी एक्सेस मिला होगा, यानी कि 10 × 3 rupees पर शेयर, मतलब एप्लीकेशन हो ही एक्सेस पैसा रिसीव्ड हो या रिजेक्ट हो, ऑलवेज इनको पैसा कौन सा वाला मिला होगा, एप्लीकेशन वाला, क्लियर। तो यहां पर आप देखना आपके लिए जो एक्सेस अमाउंट कितना है 30,000 rupees एक्सेस, जिसको हम लोग क्या करेंगे आगे की कॉल्स में एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चंस में क्लियर लिखा हुआ है कि एक्सेस अमाउंट जो भी है आपका उसको हम लोग कहां एडजस्ट करेंगे, नेक्स्ट आगे अलॉटमेंट पर हम लोग एडजस्ट करेंगे, और अलॉटमेंट पर भी अगर एक्स्ट्रा है तो उसको हम लोग फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर हम लोग करेंगे। यस, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले भाई फॉर्मेट जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, ये फॉर्मेट होता है। एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आप करो तो भी फॉर्मेट के साथ करना, बिकॉज़ फॉर्मेट के मार्क्स भी मिलते हैं। यस, अब इस क्वेश्चन में देखो क्लियर लिखा होगा हमको केस भी बनानी है और जनरल बनानी है। मैं अभी जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें क्या सभी एंट्रीज जनरल में कराऊंगा, और जनरल में कराने के बाद जो जो केस की एंट्रीज होती है, नॉर्मली जब अपन क्वेश्चंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बोला केस वो जनरल बनाओ, तो नॉन केस वाले जो भी एंट्रीज है वो सब जनरल में आ जाएगी और केस वाली सब एंट्री केस में आ जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए सभी एंट्री एक साथ कर रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम पढ़ने होता है जब आप केस बुक बनाओगे तो बैंक वाली जो भी एंट्री हो सब केस में चली जाएगी और नॉन केस वाली एंट्री सब किस में आ जाएगी, जनरल में एंट्री आ जाएगी। यस, देखना आगे पर फर्स्ट एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यस, शॉर्टकट ये सिर्फ मैं यूज करूंगा, आप लोग कोई भी यूज नहीं करेंगे। Being application amount received, being application amount received, और इसमें आएगा that is 10,000 shares, sorry 50,000, first entry हमेशा received से बनती है, तो 65,000 shares into 3 rupees, यानी कि ये हो गया 195,000, yes। देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो बनती है वो बनेगी आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बी एक्सेस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, बी एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू अलॉटमेंट एंड रिफंड फेस वैल्यू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, फेस वैल्यू ट्रांसफर टू कैपिटल। यस, यहां पर देखिए आपका जो अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा, जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट हो जाएगी 195,000, जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट हो जाएगा। कैपिटल में ऑलवेज जाता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, और मैंने आपको फर्स्ट डे वन भी बोला था एक कंपनी उतने ही शेयर्स का अलॉटमेंट कर सकती है जितने उसने मार्केट में इश्यू किए, दैट मींस कितना हो जाएगा 50,000 × 3 150,000, बैंक में आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 50,000 × 3, या आ जाएगा बैंक में 5,000 × 3 दैट इज 15,000, और जो एक्सेस अमाउंट है वो कितना है 30,000 दैट इज 10,000 × 3, या आपका अभी सेकेंड एंट्री। क्लियर, कि आपने फर्स्ट में एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, फिर उसको कैपिटल ट्रांसफर किया, एक्सेस को रिफंड किया, और फिर भी वो एक्सेस उसको हम आगे कोर्स में एडजस्ट करेंगे। यस, देन उसके बाद आएगा थर्ड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी थर्ड एंट्री हमेशा बनेगी ड्यू की, तो आपका बनेगा इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, और इसमें आएगा वही नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर. यस, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट अमाउंट पर शेयर, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट अमाउंट पर शेयर. यस, तो यहां आ जाएगा आपको कितना 50,000 इनटू 4 दैट इज 2 लाख. यहां आ जाएगा 1 लाख that is 50,000 into 2 that is 1 lakh and 1 lakh 50,000 into 2 that is 1 lakh rupees. और ये आपकी थर्ड एंट्री क्लियर. नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी वो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट being allotment amount received. और यहां पर कोई भी अरियर नहीं है तो जितना पैसा ड्यू किया है उतना उतना पैसा रिसीव हो जाएगा, और वो हमारा एंट्री कितने की 1 लाख रुपीज दैट इज 1 लाख रुपीज. ये थर्ड नंबर की एंट्री आपकी होगी. ठीक है, नेक्स्ट एंट्री नंबर 4. Yes. Entry number 4. Entry number 4 में क्या आएगा आपका? Equity share. First call account debit. To equity share. Capital. क्योंकि ऑलरेडी जब 30,000 का पैसा हमको एडवांस में मिल चुका है तो हम उसके वापस नया वाला और पूरा पैसा रिसीव नहीं करेंगे. ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है. दैट इज 1,70,000, नॉट 70,000, 1,70,000. 2 लाख में से 30,000 मुझे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है. तो या नेक्स्ट एंट्री में क्या है? स्टूडेंट टू. यस, फिर नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी इसको हम लोग बोलेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू. यस, नेक्स्ट एंट्री फिर आपको बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू रिसीव्ड. क्लियर? यस. तो यहां पर देखना आप अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यही हमको ऑलवेज जो मैं अभी फॉर्मेट आपको बता रहा हूं वही फॉर्मेट आपको ऑलवेज अप्लाई करना, कहीं पर भी आप मिस्टेक नहीं करोगे. यस, वो फॉर्मेट क्या है? तो यह आ जाएगा फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, जो अमाउंट कितना है 1 लाख, लेस आता है एक्सेस. अगर कोई पैसे पहले से मिल गया, जैसे अलॉटमेंट पे 30,000 मिला है, अगर कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे भी एक्स्ट्रा होता तो हम उसको क्या करते हैं? माइनस करते. पर वो यहां पर नहीं है, तो यहां आ जाएगा बैलेंस अमाउंट.
बैलेंस अमाउंट कितना आ गया आपका 1 लाख लेस अनपेड अमाउंट यस। और इसका फॉर्मूला आपका है, इसका फॉर्मूला जो है वो इस तरह से बनता है, दैट इज बैलेंस अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स अलोटेड इनटू अनपेड शेयर्स। तो यहां अमाउंट जो आएगा कितना आएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 50,000 इनटू 1,000, तो ये आपका आ जाता दैट इज 2,000 रुपीज। तो आपका जो आता है वो आता 98,000, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड। क्लियर? ये आता है जो फर्स्ट कॉल पे आपको पैसा रिसीव हुआ है और वो कितना है 98,000। तो यहां पर जो आप एंट्री बनाओगे यहां पर आपको क्या लिखना है, बैंक का डेबिट 98,000, कोर्स एरियर्स कितना हो गया 2,000 एंड टोटल मिला के हो गया 1 लाख। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि 2000 की एंट्री आप चाहो तो करो या चाहो तो मत करो, आप यहाँ पर ऑप्शनल है कि कोर्स एरियर्स को आप डेबिट करो, और अगर कोर्स एरियर्स को आप डेबिट नहीं करके आप सीधा बैंक में से अमाउंट लेस कर दो तो भी बिल्कुल राइट है। तो ये गवर्नमेंट की बात थी, मैं कोर्स एरियर्स लिखूं या नहीं लिखूं, नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो उससे 98 से एंट्री बना दो, चाहो तो 98,000 बैंक में, 2,000 कोर्स एरियर्स में, एंड देन उसके बाद फर्स्ट कॉल में 1 लाख रुपीज आपका आ जाएगा। क्लियर बच्चों? देन नेक्स्ट एंट्री जो आपकी बनेगी, यस नेक्स्ट एंट्री वही सेकंड कॉल ड्यू बनेगी, दैट इज इक्विटी शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, और वो आता है नंबर ऑफ शेयर 50,000 इंटू आपका आएगा दैट इज इंटू 3 दैट इज 1,50,000। क्लियर? कि जो पैसा हम लोगों ने क्या किया, ड्यू किया है। क्लियर? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, वर्किंग नोट के मार्क्स अलग से मिलते हैं इसलिए वर्किंग नोट आपको सॉल्व करना है, लेकिन वर्किंग नोट जहां मैंने किया है सॉल्यूशन के साथ वहां नहीं करना, वर्किंग नोट्स का अलग से पॉइंट बनाकर अलग पेज पे आपको करना एग्जाम में। यहां अभी मैंने इन्हीं के साथ किया समझने के हिसाब से, लेकिन जब एग्जाम में आपको क्वेश्चंस करो तो वर्किंग नोट अलग से आपको एक साथ शो करना है, उसके मार्क्स आपको अलग से अलोटेड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको लगता है वर्किंग नोट्स के मार्क्स नहीं मिलते हैं, वर्किंग नोट्स के मार्क्स अलग से अलोटेड होते हैं एग्जाम में, वर्किंग नोट अलग से करना है। यस, अब नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी, यस वो सेम बन जाएगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट कोल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है? यस, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। यस, तो उस केस में कितना आ जाएगा आपका, यहां पर तरीका वही आपका जो मैंने अभी आपको बताया, ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। यहां पर ये जो आपने कैलकुलेशन की थी वो किसके लिए थी, फर्स्ट कॉल के लिए, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं सेकंड कॉल अमाउंट कैसे करेंगे आप सेकंड कॉल का, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। सेकंड कॉल में ड्यू कितना आपका, 1,50,000 रुपए, एक्सेस कुछ भी नहीं 1,50,000, और यहां पर उसका आ जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 1,500, तो यह आपका अमाउंट आ जाएगा 4,500। यस 4,500, तो आपका जो अमाउंट रिसीव्ड है वो आ जाएगा 1,45,500, जो आप रिसीव करोगे दैट इज 1,45,500 रुपए। वही सेम ड्यू अमाउंट कितना है 1,50,000, एक्सेस कुछ भी नहीं है, उसके बाद वही अनपेड अमाउंट कैसे निकालोगे, 1,50,000 बैलेंस अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 50,000 इंटू 1,500 जितना शेयर्स का पैसा मैं रिसीव, और क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1,000 का फर्स्ट कॉल पे रिसीव नहीं हुआ है और 1,500 का सेकंड कॉल पे रिसीव नहीं हुआ है, तो
तो ये 15 सेकंड रूल के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन उठा के ये तो आपका अमाउंट जो रिसीव्ड में आएगा वो कितना आ जाएगा 145,500 दैट इज अरियर 4500 और 150,000। बच्चे वापस बोल रहा हूँ कोल से अरियर्स आप चाहो तो रिकॉर्ड करो, कोल से आप चाहो तो मत रिकॉर्ड करो, कोई कंपल्शन नहीं है, आप चाहो तो सीधा अमाउंट को लेस करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये आज अपन ने क्वेश्चन किया था ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ कोल से अरियर्स का क्वेश्चन कि जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन भी है मतलब जितने इशू के उस ज्यादा की एप्लीकेशन भी आई है और साथ साथ में अरियर भी है। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस तरह से मैं नए नए क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा, आपको क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता रहूंगा। विद दैट थैंक यू सो मच। और वन सेकंड में आपको याद दिला दूं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ मेरा आईकन दबाएं ताकि मैं समय समय में जब नए नए वीडियोज लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। विद दैट थैंक यू सो मच।